अब सोच के देखो, ऐसा कौन सा टॉपिक हमने पढ़ा है जिसमें हम किसी चीज को ग्रेटर या लेस देन प्रूव करते हैं। तो ध्यान रखो, समझ लीजिए कि इस लेवल का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन देख के बच्चों को समझ नहीं आएगा, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को कैसे करना है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 12 से, चैप्टर कौन सा लिया है। वैसे क्वेश्चन देख के आप चैप्टर पहचान नहीं पाएंगे, यही इस क्वेश्चन की खासियत है। एक इम्पॉसिबल क्वेश्चन कैटेगरी का फिर से क्वेश्चन लेके आए हैं, ध्यान से देखो। यूज द फंक्शन एक्स टू द पावर 1/x वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0 टू डिटरमाइन द बिगर ऑफ ई टू द पावर पाई एंड पाई टू द पावर ई। अब दिक्कत यह है, क्वेश्चन पढ़ के समझ ही नहीं आ रहा कि टॉपिक कौन सा है या फिर चैप्टर कौन सा है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी पहचान दी हुई है जिससे आप ये पहचान सकते हो कि एक्चुअल ये चैप्टर डिफरेंशिएशन है और ये टॉपिक है वो है मैक्सिमा और मिनिमा। वो मुझे कैसे पता चला, आपको कैसे पता चलेगा वो भी समझ लो। लिखा है डिटरमाइन द बिगर ऑफ ई टू द पावर पाई और पाई टू द पावर ई में से कोई बड़ा आपको बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं इसको कुछ ऐसा लिख के दिखाऊंगा, ई टू द पावर पाई इज ग्रेटर देन पाई टू द पावर ई, या फिर मैं आपको क्या लिख के दिखाऊंगा, ई टू द पावर पाई इज लेस देन पाई टू द पावर ई। अब सोच के देखो, ऐसा कौन सा टॉपिक हमने पढ़ा है जिसमें हम किसी चीज को ग्रेटर या लेस देन प्रूव करते हैं। तो ध्यान रखो, मैक्सिमम मिनिमम में जब हम डबल डेरिवेटिव निकालते हैं तब हम चीजों को ग्रेटर या लेस देन प्रूव करते हैं। तो इससे मुझे आइडिया हुआ कि ये चैप्टर डिफरेंशिएशन है और टॉपिक मेरा मैक्सिमम मिनिमम है। समझ लीजिए कि इस लेवल का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन देख के बच्चों को समझ नहीं आएगा, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को कैसे करना है। अब सबसे पहले मुझे एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन है एक्स की पावर 1/x। तो क्या करूं, सबसे पहले मैं से वाई लेट ले लेता हूं, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/x। अब मुझे इसका करना है फर्स्ट डेरिवेटिव, क्योंकि पावर में कोई न्यूमरल वैल्यू नहीं है, पावर में एक एक्स फॉर्म है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, मतलब मुझे दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। तो चलिए लॉग लेते हैं, तो लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर 1/x। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, लॉग एम की पावर एन, तो ये हो गया लॉग वाई इज इक्वल टू 1/x लॉग एक्स। एंड व्हाट इज लॉग एम की पावर एन, भैया एन आगे आ जाएगा, लॉग एक्स एक जैसा आ जाएगा, तो लॉग एम की पावर एन होता है एन लॉग एम। अब क्या करें, चलिए करते हैं डेरिवेटिव, तो 1/y dy by dx इज इक्वल टू, यहां लगेगा क्वेश्चन रूल, लगाओ क्वेश्चन रूल। तो एक्चुअल में ये क्या लिखा है, ये log x अपॉन x लिखा है ना, तो क्वेश्चन रूल के हिसाब से डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को छोड़ा न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर को छोड़ा और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो कि 1 आएगा। ध्यान रखना ये 1/x की तरह मत ट्रीट करना, मैं इसको log x अपॉन x की तरह सॉल्व कर रहा हूं कुछ इस तरह से। तो देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को छोड़ा न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर को छोड़ा और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ठीक है। जरा सही से लिखते हैं इसको, तो डीवाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, वाई को ले जाइए उस तरफ, ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस का लॉग एक्स होल अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जो वाई हमने लेट लिया था उसे वापस पुट करिए, तो डीवाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/x ब्रैकेट में 1 माइनस का लॉग एक्स होल अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है एक्स का वैल्यू, और वो कैसे निकलता है, डी वाई डी एक्स को 0 का इक्वल करके। तो चलो, तो लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो चलो पुट करते हैं, तो x की पावर 1/x ब्रैकेट में 1 माइनस लॉग एक्स होल अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो गायब हो जाएगा। अब यहां देखो ऊपर, फिर न्यूमरेटर में क्या बचेगा, x की पावर 1/x इंटू 1 माइनस का लॉग एक्स इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म मल्टीप्लीकेशन में दोनों ही 0 के बराबर, तो लिखने का तरीका आइदर एक्स की पावर 1/x इज इक्वल टू 0 और 1 माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0। अब ध्यान रखने वाली बात यह है, देखो एक चीज लिखा हुआ है यहां पर कि x इज ग्रेटर देन 0। सोचो कि अगर मैं यहां x की कोई वैल्यू डाल दूं,
मतलब जैसे 2 डाल दू, 3 डाल दू, 4 डाल दू, तो 2 की पावर 1/2 या 3 की पावर 1/3 जीरो के बराबर थोड़ी ना होगा, तो क्या लिखेंगे कि हियर एक्स की पावर 1/x नेवर बी इक्वल टू जीरो, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन यहां बात बन जाएगी वो कैसे, देखो लॉग एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब अगर मैं यहां से एक्स की वैल्यू निकालना चाहता हूं और लॉग हटाना चाहता हूं, तो देखो लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, लॉग के बेस में हमेशा क्या लिखा होता है, ई लिखा होता है, ध्यान रखिएगा अगर आपको नहीं पता है तो याद रखिए, लॉग के बेस में हमेशा ई लिखा हुआ है, उसे रिप्रेजेंट नहीं करते। अब लॉग कैसे हटाते हैं, देखो जरा ई की पावर में 1 बराबर x, देखो जरा ई की पावर में 1 बराबर x, तो क्या पता चला, इस 1 को हटा देते हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो यहां से हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट आ गया ई हमारे पास। अब ये क्रिटिकल पॉइंट मिनिमम है या मैक्सिमम है, उसके लिए डबल डेरिवेटिव जरूरी है। मैंने शुरू में बताया ना कि डबल डेरिवेटिव ही बताएगा मुझे कि बड़ा है या छोटा है पॉइंट, पॉइंट बड़ा है या पॉइंट छोटा है, उसी से मुझे पता चलेगा। तो सबसे पहले निकालते हैं अपना डबल डेरिवेटिव। चलिए मैंने अपना सिंगल डेरिवेटिव लिख दिया है, इस सिंगल डेरिवेटिव का डबल डेरिवेटिव करने से पहले थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, वो कैसे, देखो बेस सेम है और बीच में डिवाइड है, तो मैं क्या करूंगा पहले इस पावर को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, जिससे कि डबल डेरिवेटिव करने थोड़ा मुझे आसान हो जाए। तो डीवाई बाई डीएक्स कितना आया, एक्स की पावर 1/x और माइनस का 2, ब्रैकेट में 1 माइनस लॉग x, थोड़ा पावर भी सही से सॉल्व कर देता हूँ, तो डीवाई बाई डीएक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर, ये आएगा 1 माइनस का 2x होल के नीचे x और इनटू में 1 माइनस का log x। अब करते हैं डबल डेरिवेटिव इसका, तो चलो तो d²y/dx² इज इक्वल टू, अब दो टर्म्स का है मल्टीप्लीकेशन, क्या लगा सकते हैं, प्रोडक्ट टू लगाएंगे। चलिए तो पहले को छोड़ा तो x की पावर 1 माइनस 2x/x, दूसरे का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव करो 1 का हो गया 0 माइनस अपनी जगह पर, और लॉग एक्स का हो गया 1/x प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का डेरिवेटिव, तो dy/dx(x) की पावर 1 माइनस 2x/x। अब ये कितना आ गया, ये आ गया माइनस का 1/x इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 2x/x प्लस 1 माइनस का log x इंटू, अब देखो फिर एक गड़बड़ हो गया, हमें ऐसे टर्म का डेरिवेटिव करना है जिसकी पावर में भी x है, तो क्वेश्चन भी तो कुछ इस तरह का ही था, हमें ऐसे टर्म का डेरिवेटिव करना था जिसकी पावर में x हो, और क्या बताया था कि अगर किसी नंबर की पावर में x होता है तो वहां पर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगता है, और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाने के लिए यहां पर ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इसको सेपरेटली लेकर प्रॉपरली पूरा डेरिवेटिव करके आंसर निकालना होगा, और उस डेरिवेटिव को फिर हम यहां पुट करेंगे। तो चलो अलग से लेते हैं, तो मैंने क्या किया, फंक्शन को लेट ले लो, यू इज इक्वल टू, हम इसके डेरिवेटिव कर रहे हैं अलग से, एक्स की पावर 1 माइनस 2x/x। फिर समझ लीजिए इस बात को, हमें एक ऐसे टर्म का डेरिवेटिव करना है जिसकी पावर में एक्स है, और अगर पावर में एक्स है तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के अलावा डेरिवेटिव करने का और कोई तरीका नहीं है, और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करने के लिए टर्म अलग से लेट लेना पड़ता है, इस स्टेप पर यहां पर डेरिवेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, तो सेपरेट ले लिया। चलिए लॉग लेते हैं, तो लॉग यू इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर 1 माइनस 2x/x, अब log m की पावर n, n आगे आ जाएगा, तो log u इज इक्वल टू 1 माइनस 2x/x और log x, अब ये दोनों टर्म कैसे हो गए, प्रोडक्ट में आ गए, तो लग सकता है प्रोडक्ट रूल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव करेंगे, तो 1/u du/dx इज इक्वल टू पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का डेरिवेटिव, पहले के डेरिवेटिव में क्या है 1 माइनस का 2x/x, अब जरा सही से लिखते हैं इसको, तो ये आ गया 1/u du/dx इज इक्वल टू 1 माइनस का 2x/x² प्लस log x, अब जरा चेक करो, एक ऐसे टर्म का डेरिवेटिव करना है जो u/v की फॉर्म में है, मतलब u/v की फॉर्म का मतलब हो गया क्वेश्चन रूल, तो चलो क्वेश्चन रूल लगाते हैं, तो वो कैसे लगता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को छोड़ा न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, अब सोचो कि न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा,
वन का तो आ गया जीरो, माइनस टू कॉन्स्टेंट, एक्स का आ गया वन, तो माइनस टू आ जाएगा, माइनस ऑफ, न्यूमिनेटर को छोड़ा और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव वन, ये लीजिए हो गया डेरिवेटिव। अब जरा सही से सॉल्व करते हैं, तो वन अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, देखो ब्रैकेट में क्या बचा, माइनस का टू एक्स, माइनस का वन और प्लस का टू एक्स, तो माइनस का टू एक्स प्लस का टू एक्स चला गया। तो अगला स्टेप क्या आएगा, ये आएगा वन बाय यू डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस का टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब चेक करो यहां पर एक माइनस वन बचा है, यहां एक प्लस है, तो माइनस का लॉग एक्स होल अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो यू का वैल्यू उधर जाएगा, चलिए यू को उधर लेके जाते हैं, तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू ब्रैकेट ऑफ कितना आया, वन माइनस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का लॉग एक्स होल अपॉन में एक्स स्क्वायर, यू का वैल्यू जो लेट लिया था उसे वापस पुट करिए, तो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर वन माइनस टू एक्स होल अपॉन एक्स ब्रैकेट वन माइनस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। मतलब हमने इस टर्म का डेरिवेटिव पूरा कर लिया, इस टर्म के डेरिवेटिव को अपने को यहां रखना है, इसी के लिए तो अलग से हमने डेरिवेटिव किया है। तो चलिए अब डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर वन माइनस टू एक्स अपॉन एक्स का पूरा डेरिवेटिव निकाल लिया, पुट कर दीजिए यहां पर, तो एक्स की पावर वन माइनस टू एक्स होल अपॉन एक्स, फिर एक और ब्रैकेट वन माइनस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। डबल डेरिवेटिव आ चुका है, लेकिन ध्यान रखो मिनिमम पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट निकालने के लिए डबल डेरिवेटिव में जो आपका क्रिटिकल पॉइंट आया है, जो हमारा एक्स इक्वल टू ई आया है ना, वो अपने एक्स में पुट करते हैं। तो चलो मैंने क्या लिखा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू ई, तो जहां जहां एक्स दिख रहा है पूरे में आप ई डाल दो, तो कितना आएगा चेक करो, माइनस का वन बाई ई की पावर वन माइनस टू ई अपॉन ई प्लस ब्रैकेट वन माइनस लॉग ई होल ब्रैकेट ई की पावर वन माइनस टू ई अपॉन ई फिर ब्रैकेट वन माइनस टू ई अपॉन ई स्क्वायर माइनस का लॉग ई अपॉन ई स्क्वायर। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, दुख एक स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं, व्हाट इज लॉग ई, लॉग ई इज वन, वन माइनस वन इज जीरो और जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग पूरा जीरो, तो कह सकते हैं कि ये पूरा हिस्सा तो जीरो हो गया अगले स्टेप पर। जरा ध्यान से देखना, तो माइनस का वन बाई ई की पावर वन माइनस टू ई अपॉन ई और प्लस का जीरो। अगर हमें थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो डबल डेरिवेटिव किसी वैल्यू को निकालने के लिए नहीं किया जाता, डबल डेरिवेटिव में अगर हमने वैल्यू इंसर्ट किया है, क्रिटिकल पॉइंट इंसर्ट किया है, तो नेगेटिव आना या पॉजिटिव आना हमें कुछ चीज बताता है। हमने जब पुट किया तो हमारा आंसर कैसा आ गया, नेगेटिव, और नेगेटिव आना ये शो करता है कि x इज इक्वल टू ई कैसा पॉइंट है, एक मैक्सिमम पॉइंट है। तो क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि सिंस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू ई इज लेस देन जीरो, हेंस x इक्वल टू ई इज अ मैक्सिमम पॉइंट। क्लियर हो गया, लेकिन सोचो हमें प्रूव क्या करना है, हमें तो ये बताना है कि क्या इस फंक्शन को यूज करते हुए e की पावर पाई और पाई की पावर e में बड़ा कौन और छोटा कौन। तो ये लीजिए अभी सॉल्व हो जाएगा। अब ये तो पता चल गया कि फंक्शन में e डालने पर वो बड़ी वैल्यू देगा, चेक करो फंक्शन में e डालने पर वो बड़ी वैल्यू देगा, और वो किससे बड़ा होगा, पक्की बात है मेरे फंक्शन से बड़ा होगा। अब एक चीज फिर समझने वाली है, क्या x की वैल्यू जीरो से बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है। मैं लिखूंगा कि सिंस x इज ग्रेटर देन जीरो, तो सोचो मैं यहां x की कौन सी बड़ी वैल्यू रख लू जो जीरो से बड़ी हो, कुछ भी रख लीजिए, वन टू थ्री, 3.14 रख, तो 3.14 भी सकते हैं, और 3.14 वैल्यू किसका होता है, पाई का। चेक करो क्या मुझे आंसर में पाई जैसा कोई टर्म चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तो क्या सोचो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसे, एफ ऑफ ई
इज ग्रेटर देन एफ ऑफ पाई। भाई रखने को तो मैं यहां पर एक्स की कोई वैल्यू रख सकता हूं ना जो जीरो से बड़ी हो, तो क्यों ना वही वैल्यू रख लें जो चेक करनी है। अब इस क्वेश्चन की यही खूबसूरती है कि जो क्वेश्चन में आप एज्यूम कर रहे हो, चेक करो वही टर्म एज्यूम करना जो आपको आपके आंसर में चाहिए। क्वेश्चन में कहीं पाई नहीं है, लेकिन फिर पाई कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? तो पक्की बात है, एक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू लो जो जीरो से बड़ी हो, तो जीरो से बड़ी तो 3.14 भी हो सकती है, और 3.14 एक्चुअल में पाई है, तो बात तो बन गई अपनी, ठीक है। अब देखो, अगर मैं एफ ऑफ ई लिखूं, एफ ऑफ एक्स या फिर वाई, भाई आप समझो ना, वाई तो आपका एफ ऑफ एक्स होता है, तो एफ ऑफ ई का मतलब क्या हो गया कि मैं अपने फंक्शन में एक्स की जगह ई डाल दूं, तो क्या बन गया? ई की पावर 1/i ग्रेटर देन, तो ये क्या बन गया? पाई की पावर 1/π। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं भाई। एफ एक्स होता तो एक्स की पावर 1/x ही तो लिखता, तो एफ ई को लिखूंगा ई की पावर 1/i, तो एफ पाई को क्या लिखूंगा? पाई की पावर 1/π। अब मैंने क्या किया, टेकिंग पाई ई पावर ऑन बोथ साइड, तो चलो दोनों साइड पाई ई पावर ले लो। क्यों कर रहा हूं ऐसे, अभी समझ में आ जाएगा। टेकिंग पाई ई पावर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। नाउ पावर से पावर करो मल्टीप्लाई, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई करो, तो ई की पावर 1/i इंटू पाई इज ग्रेटर देन पाई की पावर 1/π इंटू पाई ई। क्या कट गया? ई से ई कट गया, क्या बचा? ई की पावर पाई इज ग्रेटर देन, यहां क्या कट गया? पाई से पाई कट गया, पाई की पावर ई। तो चेक करो क्या हमने प्रूफ कर दिया कि जो ई की पावर पाई है एक्चुअल में वो बड़ा है पाई की पावर ई से। यही तो प्रूफ करना था कि बिगर कौन है, ये या ये। तो पता चला कि ई टू द पावर पाई इज ग्रेटर देन पाई टू द पावर ई। एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन था, हॉट्स लेवल का, 12th क्लास का। ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हमने क्या किया है, इस तरह के इम्पॉसिबल क्वेश्चन कैटेगरी की एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर की प्लेलिस्ट के साथ। जाके इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर चेक कर लीजिएगा। और भी क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉसिबल क्वेश्चन कैटेगरी में आते हैं, उन्हें भी एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड के लेवल में आपको किसी तरह का हॉट्स लेवल का क्वेश्चन दिख सकता है। अच्छे से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। ये क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।